लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का दौरा टल गया है। राहुल और खड़गे बुधवार को 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, अब वो कल जाएंगे। राहुल और खड़गे आगामी विधानसभा चुनावी तैयारी की बैठक के लिए जम्मू और श्रीनगर में रहेंगे। चुनाव से पहले गठबंधन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। वहीं इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग अपने विचार साझा किए, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। शुक्र है चुनाव के कारण ही सही राहुल गांधी जी शांति विकास व विश्वास की ओर बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर दिखने जा रहे हैं। जा ही रहे हैं तो कृपया स्टैंड स्पष्ट करें कि 370 और 35 ए पर उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि यूपीए यूपीए वन यूपीए टू के गठबंधन के राज में जम्मू कश्मीर में केवल बम बंद गोलियां बारूद लाशें हत्याएं यही कुछ चलता है। इन्होंने तीन परिवारों ने 1990 में जो हिमालयन गलतियां की हैं, दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया था, जिसका भुगतान आज जम्मू कश्मीर की जनता और पूरा देश दे रहा है। 1990 में जब जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल लगातार पत्र लिख रहे थे 1999 के दौर में, तो यहां प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी केवल वोट बैंक के कारण उसको दरकिनार कर रहे थे। जब 1990 में प्लान हो रहा था तो समय मुख्यमंत्री जब दीवारों पर लिखा था मारने के नारे लिखे गए थे, तब 1990 में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे, गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे। इन तीन परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका और 70 साल आतंकवाद अलगवाद का गढ़ बनाकर रख दिया, टेररिज्म कैपिटल बनाकर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उस टैग को उतारकर जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाया है, बायकॉट की जगह भारी पोलिंग ने ली है। तो अब राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं।